अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। पगली, जानते हो विनी, इसने स्कीइंग जो है ना स्विट्जरलैंड में सीखी है। अच्छा, उसका बाप बहुत रईस है और उसका बचपन वो तो फ्रांस में गुजरा है। फ्रांस में, आहा, देखो फ्रांस में। मेरी तरह पढ़ाई में भी चैंपियन बनकर दिखाए, बस बर्फ उछालते हुए फिरती है। अरे ये लड़कियों का कॉलेज है, जरा सिलाई बुनाई इसमें तो चैंपियन बनकर दिखाए तो मैं मानूं। मैंने तो सुना है इसके डैडी ने इसे लड़कों की तरह पाला है। हाँ? कोई भी लड़की को लड़के की तरह लाख पाले वो तो लड़की ही रहती है, और लड़का तो उसकी जिंदगी में बॉयफ्रेंड ही बनकर आता है। नहीं नहीं नहीं, ये तो कितनी टीनी मीनी सी नन्नी सी गुड़िया लगती है, इसका बॉयफ्रेंड तो हो ही नहीं सकता। ये और नन्ही मुन्नी। हाँ, लगी शर्त ना पापा, मुझे डर लगता है। अरे बाबा लगाओ ना। अरे क्या हुआ? आशा आशा, विनी कहती है ना कि तेरा कोई बॉयफ्रेंड है। मेरा बॉयफ्रेंड? हाँ, देखोगे तुम लोग। हाँ, क्या तेरा बॉयफ्रेंड यही है? ऐसा करो, थोड़ी देर के बाद सब लोग मेरे कमरे में आ जाना, ओके? हाँ, सब लोग आ जाना। बाय। ये तो अपना बॉयफ्रेंड दिखाने वाली थी ना? अरे यही है। हाँ? आजकल है ना लड़के लोग है ना लड़कियों की विग पहन लेते हैं और वो सब भी लगा लेते हैं। दोनों में से कोई हुआ तो? हाँ? ना बाबा, मुझे डर लगता है।
थैंक यू वेरी मच सर। जब इंसान मुसीबत में होता है तो उसे एक दोस्त की जरूरत होती है। कम लाऊं? आउच! क्या हुआ? दर्द। दर्द का इलाज आरके 500। वाओ यार फैंटास्टिक। यार इट इज ग्रेट। जानलेवा मॉडल है। डोंट कॉल हिम अ मॉडल, ही इज अ जीनियस। वो लिखता है, डायरेक्ट करता है, पेंट करता है, कंसीव करता है और एक्टिंग। एक्टिंग तो इसलिए करता है क्योंकि लड़कियां उस जालिम को देखकर दिल थाम लेती हैं। क्या क्या आग दोनों तरफ बराबर लगी है? शोले अभी उनके दामन तक नहीं पहुंचे क्योंकि वो अब तक मुझे कम सिन समझते हैं। गरज ये है कि दिल भी है खाली और घर भी है खाली। उनको मिलेगी कोई किस्मत वाली। अनंत। यस सर। अशोक शूटिंग के लिए गुलमर्ग जा रहा है, उसके सारे अरेंजमेंट्स कर दो, उसे वहां कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सर अशोक पर आप कुछ जरूरत से ज्यादा ही मेहरबान रहते हैं। इसकी भी वजह है, मैंने उसका टैलेंट देखकर उसे फुटपाथ से उठाया था और उसने मेरी सारी उम्मीदें पूरी की हैं। ही इज अ जीनियस। और फिर जब तक वो हमारे लिए काम का साबित होता है हम भी उसका ख्याल रखेंगे। और हाँ, मैंने आशा को भी लिख दिया है कि अशोक गुलमर्ग गा रहा है। ओके। यस सर। थैंक यू। गुड्डी, डैडी का लेटर आया है, अशोक गुलमर्ग गा रहा है। लवली, फैंटास्टिक। अशोक, अरे गुड्डी, लगता है भगवान ने आशा की नहीं मेरी सुन ली है। अशोक, आई लव यू। अभी तक सिर्फ आशा की कमसिनी देखी है, किसी का होश उड़ा देने वाला शबाब नहीं देखा। ए, किससे बातें कर रही है? खुद दिल से दिल की बात कही और हंस दिए। ना बबना, मुझे डर लगता है। अरे पगली, जरा सोच, सोच ना। अशोक गुलमर्ग आ रहा है, वो राइटर है, डायरेक्टर है, खुद एक्टर है, अरे वो तो मेकर है। और मैं खूबसूरत हूँ, जवान हूँ, एम्बिशियस हूँ, विलिंग हूँ। जरा सोच, अगर हम दोनों का मिलन हो जाए तो? तू तो हवा में उड़ने लगी है, जैसे तूने कहा और उसने तुझे मॉडल बना दिया। ऐसे थोड़ी बनाएगा वो। फिर कैसे बनाएगा? दीनों ईमा खराब होता है, ऐसा काफिर शबाब होता है। समझी आप? नहीं समझी? मुझे तो कल सुबह का इंतजार है, मेरी किस्मत की सुबह का। साहब, यूनिट के सारे आदमी को खाना खिला दिया, आपका खाना लगा दो साहब। नहीं, रहने दो, हम बाद में खा लेंगे। साहब एक बात पूछूं? पूछो। ये 15-16 घंटे आप काम कैसे कर लेता है साहब? तुम ही बता। साहब दो ही बात हो सकती है साहब। क्या? या तो आदमी के सर पर भूत सवार हो या फिर इशक सवार हो साहब। पढ़े लिखे तुम हो नहीं यार, लेकिन बात हमेशा पते की करते हो। हाँ, मेरे सर पे इश्क सवार है साहब। मैं आपका पुराना नौकर हूँ, आज तो अपने दिल की बात बता दो। बता दे। हाँ साहब, वो कौन से खूब सुंदरी है साहब? ठीक है, आज तू पूछ ही रहा है तो बता ही देते हैं। यहाँ बताओ साहब। वो खूबसूरत सुंदरी है हमारा काम। ओह गॉड, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे तुम कहाँ से चली आई? बाहर इतनी बर्फ गिर रही है, अगर सर्दी लग गई तो। सर्दी लगी तो
मैं कोई नन्हे बच्ची थोड़ी हूँ जो मुझे ना 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 तुम तो नानी 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 माँ हो ना। हाँ चलो चलो घर चलो, अगर दीवान साहब को पता चल गया ना तो वो कहेंगे वो तो बच्ची थी लेकिन तुम्हें तो ख्याल रखना चाहिए। मुझे कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। अरे सर ब्रांडी लाना। अरे डैडी की बच्ची ना, ओवरकोट पहना ना स्वेटर, अगर निमोनिया हो गया तो। ओफो ये लो पी लो। इतनी ब्रांडी मैं तब पीती थी जब मैं 4 साल की थी। जब तुम 17 साल की हो जाओगी ना तब इतनी पीना। How dare you do like that to me? चलो चलो बचपना छोड़ो, घर चलो। बाहर बहुत सर्दी है, आज मैं यहीं सो जाऊंगी। नहीं, ना तुम सोओगी ना मुझे काम करने दोगी। I promise मैं तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करूंगी। देखो मैं सो गई, अब तुम आराम से काम करना। हाँ हर फिल्म में शोभा को ही मॉडल क्यों लेते हो? क्या मॉडल है, क्या ग्रेस है, क्या फेस है। डायन लगती है। अरे तू फिर जाके, तुमने कहा था तुम मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करोगे। इस दफा गलती हो गई, एक बार माफ कर दो। अब तो बिल्कुल माफ नहीं करने वाला। अब तो तुम गिरती बर्फ में भी अगर खड़ी होकर कसम खाओगी ना तो मैं मानने वाला नहीं। सीधे हॉस्टल लेकर जाऊंगा तुम्हें। बस सुबह सुबह कहाँ जा रही है सज धज के? मैंने तुमसे कहा था ना मुझे सुबह का इंतजार है, अपनी किस्मत के सुबह का। ना बाबा मुझे डर लग रहा है। ओफो बाय बाय तारा। अरे ये तो सचमुच चली गई, अब तेरा क्या होगा आशा? आशा देखो मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, इतनी देर से तुम यहाँ खड़ी हो ना कुछ बोल रही हो। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या चाहती हो आखिर? हाँ कहना क्या चाहती हो तुम? हाँ मैं कहना बहुत कुछ चाहती हूँ लेकिन गला सूख गया है, जबान पे कांटे पड़ गए हैं। पानी देंगे आप मुझे? अभी ला पानी। गॉड हेल्प मी, थैंक यू, थैंक यू। इस बर्फीली सर्दी में तुम्हारा इस तरह पसीना पसीना हो जाना और एक ही सांस में पानी का पी जाना कुछ। होल्ड ऑन, ये बाल देखें, ये चश्मा देखा, ये जोकरों की तरह कपड़े देखें। जी ये मॉडल बनना चाहती हैं आप? हाँ जी। देखिए देखिए मैं आपके सामने नर्वस जरूर हो गई थी लेकिन कैमरे के सामने तो भूत नजर आ रहा है ना। अरे कैमरे का नाम लिया छुट्टी हो गई, कैमरे के सामने आओगी तो कांट की उल्लू नजर आओगी। क्या नजर आओगी? कांट की उल्लू लगती। नेवर माइंड। देखिए मैं यहाँ अपने भरोसे कम आपके भरोसे ज्यादा आई हूँ। लोग कहते हैं कि डायरेक्टर संग तराश होता है, पत्थर में भी जान डाल सकता है, और आखिर मैं लड़की हूँ, पांव से सर तक मैं जवान हूँ। क्या मैं आपको जवान नहीं लगती? देखिए देखिए मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं मोम की तरह मुलायम हो जाऊंगी, आप जिस सांचे में ढालना चाहे ढल जाऊंगी। मैं ए, विनी की बच्ची, तेरे सांचे का खांचा तो मैं बनाती हूँ, यू सिली गर्ल, तेरी तो। अरे 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 ये क्या कर? अरे बिहेव योरसेल्फ। तुम चुप रहो, तमाशा देखो, ये हमारा आपसी मामला है। चल रेडी हो जाओ, चल। अरे दूसरी पकड़ क्यों, मैं ठहर जाओ। मारूंगी मैं तुझे, इस सामान ऐसी चटनी बनाऊंगी, छोटी भर याद रखेंगी। नॉट माई मिस्टेक सर, आप ही
मुझे मार रही थी। लगी तो नहीं आपको? अभी बताती हूँ कैसी लगी। साली कहाँ गई? अरे कहाँ चली गई रे ससुरी, कहाँ छुपी है तू? छुपी है रे। माफी माफी, बाय मिस्टेक सर। मुझे मार रही है बहुत जोर से। ओ बाबा, देखिए बाहर सर्दी बहुत है, मेरा कोट दे दीजिए। अभी उतारती हूँ तेरी सर्दी। फूलिश गर्ल, ये तो यूं ही डरती रहेगी। अंदर चल के अशोक को असली बता दे, नहीं तो ये इसकी जान ले लेगी। चल जल्दी चलो जल्दी चलो। ये बेबी है ना बहादुर साहब, बड़ी अच्छी फाइटर बन सकती है। आइए आइए, आप लोगों की कमी थी। जॉइन इन। आप मजाक समझ रहे हैं, आशा विनी को सचमुच मार डालेगी। वो आपसे बहुत प्यार करती है। व्हाट, क्या बक रही हो? हाँ कसम से, अरे बचाइए ना। अरे अरे अरे, बिहेव योरसेल्फ, क्या कर रही हो? तुम्हारा बचपन कभी नहीं जाएगा, बच्ची की बच्ची रहोगी क्या? मैं बच्ची नहीं हूँ। मैं बच्ची नहीं हूँ। मैडम, मैडम, मुझे कॉलेज से क्यों निकाला जा रहा है? मैडम प्लीज, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा, ये मेरे करियर का सवाल है। मैडम आप तो जानती हैं कितना अच्छा रिकॉर्ड है मेरा, मैं हमेशा फर्स्ट आती हूँ ना। मैडम अगर आप इस तरह मुझे बेइज्जत करके कॉलेज से निकाल देंगी तो मेरी माँ सदमे से मर जाएगी। मैडम वो कितनी उम्मीदें बांध रखी उन्होंने मुझसे, मैं उनका आखिरी सहारा हूँ। मैडम प्लीज, आई बेग ऑफ यू, मैडम प्लीज। तुमने आशा और उसके बॉयफ्रेंड अशोक से बदतमीजी की है। इतनी छोटी सी बात के लिए आप मुझे? बात छोटी नहीं है, लाखों की है जी। हाँ, आशा एक करोड़पति बाप की एक लौटी बेटी है और उसके बाप ने अपनी कॉलेज के लिए 5 लाख रुपया का डोनेशन दिया है और ये डोनेशन मैं नहीं छोड़ सकती। प्लीज मैडम। यस, आई एम सॉरी, यू मे गो नाउ, इट्स एब्सोल्युटली फिनिश्ड। करेक्ट, ब्यूटीफुल, क्या शॉट लिया, जैसा सुना था वैसा ही पाया। आप अरे आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आशा की कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ और ये सब मेरी टीचर्स हैं। कल जो हुआ उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। हाँ मुझे भी अफसोस है, आशा ने कुछ ज्यादा ही। नहीं नहीं, उसमें आशा की कोई गलती नहीं थी, वो तो विनी की सब गलती थी और उसी वजह से हमने उसे कॉलेज से निकाल दिया है। यस सर, आई हैव रस्टिकेटेड हर। दैट्स वेरी सैड, वेरी बैड। वेल सर, एक रिक्वेस्ट है, आज शाम को हमारे यहाँ एक पार्टी है आपके ऑनर में और आपको जरूर आना होगा। ओके। ओह थैंक यू। Oh,
प्रोग्राम कुछ खास पसंद नहीं आया। ये बात नहीं, ऐसा तो लग ही नहीं रहा था कि ये प्रोग्राम कॉलेज की बच्चियां पेश कर रही हैं। तो फिर कैसा लग रहा था? ऐसे लग रहा था जैसे कि चलिए चलिए मिस्टर अशोक, खाना लग गया है और लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। मौके पर आई हैं आप? मौके पर आने की तो मुझे जवानी से आदत है। वैसे आपको प्रोग्राम कैसा लगा? बिल्कुल आपकी जवानी की तरह। थैंक यू, थैंक यू। हाय आशा। हाय राजू, हाउ आर यू? लॉन्ग टाइम नो सी। थैंक यू। हेलो आशा, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, हैप्पी एज ऑलवेज। चलिए मैं आपको आज के चीफ गेस्ट से मिलवाती हूँ। चलिए। अशोक मीट स्क्वाड्रन लीडर शर्मा, डैडी के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, आजकल यहाँ पोस्टेड हैं। नाइस मीटिंग यू, माय प्लेजर। लीजिए मिस्टर अशोक, मैंने अपने हाथ से ये प्लेट आपके लिए बनाए हैं। अरे अरे, ये क्या किया मैडम आपने? क्यों, क्या हुआ? ये तो मच्छी बिल्कुल नहीं खाते, इनके लिए तो मैंने खास तौर से दम आलू और नरगिसी कोफ्ते बनवाए हैं। मैं अभी लाई। बड़ा ख्याल है आपको हमारा। हम्म, थैंक यू। बेहतर ये होता कि खुद का भी ख्याल करती। ये बेहुदा ड्रेस और ये डांस, घूर रहे थे लोग। बच्चों को क्या फर्क पड़ता है, सर्दी लग जाती। मेरे पास तो ढांपने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास कुछ है तो ढांप दीजिए। ओ आई सी, खुश, अब तो इस बच्ची को सर्दी नहीं लगेगी ना। मेरा बदन ढांप कर तुमने अपने दिल का राज खोल दिया, करने लगे ना मुझसे प्यार। मेरा सामान पैक करके इसी वक्त गाड़ी में रख दो, मैं जा रहा हूँ फौरन। इतनी रात को शाह, मगर श्रीनगर से हवाई जहाज तो दोपहर को जाता है। मैं जम्मू जा रहा हूँ ताकि किसी को पता ना चले, और यूनिट को कल सवेरे रवाना कर दो। अच्छा शाह। चला मैम, शूटिंग तो दो दिन और चलने वाली थी, ये सामान कहाँ जा रहा है? साहब कहाँ है? वो तो रात को ही चले गए। रात को चले गए? कहाँ चले गए? जम्मू, कह रहे थे जम्मू होकर जाऊंगा ताकि किसी को पता न चले। अपनी समझ में तो कुछ नहीं आया मैम साहब। आइए
उनको लिख दो कि हम उनकी ये फिल्म 2 महीने में पूरी कर देंगे और मिनिमम चार्जेस जो होंगे वो 80 रुपीज पर फुट होंगे। अरे हेलो अशोक। गुड मॉर्निंग दीवान साहब। बहुत जल्दी वापस आ गए, शूटिंग खत्म हो गई क्या? शूटिंग तो खत्म नहीं हुई, लेकिन ऐसी गजब की सर्दी पड़ रही है वहाँ पर, क्या बताऊँ मैं आपको। मैं तो अपने दुश्मन को भी सलाह ना दूं कि ऐसे मौसम में कश्मीर जाए। तुम सीधे एयरपोर्ट से यहाँ आ गए? नहीं तो मैं तो घर जाके आ रहा हूँ। तो फिर ये सामान किसका है? मेरा है। अरे अच्छा, तू ये अचानक कैसे आ गई? ऐसी गजब की सर्दी पड़ रही वहाँ पर कि क्या बताऊँ मैं आपको। मैं तो अपने दुश्मन को भी सलाह ना दूँ कि ऐसे मौसम में कश्मीर जाए। अरे कमाल है, ये अशोक भी अभी अभी यही कह रहा था। तुम दोनों एक ही प्लेन में आए हो क्या? एक ही प्लेन में? अगर मैं आती तो ये ना आते। क्यों? बात ये है ना डैडी, की जगह नहीं थी, एक ही सीट थी, चार्टर करके आई हूँ पूरा प्लेन। अरे लेकिन वो तेरी पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा क्या? डैडी आप हमेशा कहते हैं ना कि मैं आपकी बेटी नहीं बेटा हूँ, और फिर कल मुझे आपका बिजनेस भी संभालना है। ना इसमें कोई शक है कि तू मेरा बेटा है, और ना इसमें कि कल तुझे मेरा बिजनेस संभालना है। तो आप ही सोचो, जब मुझे कल आपका बिजनेस ही संभालना है तो मैं इसी जॉब्रफी में अपना वक्त बेकार में क्यों जाया करूँ? और फिर अशोक जैसा अपना इतना अच्छा सिखाने वाला कहाँ मिलेगा? क्यों अशोक? अगर तू यही चाहती है तो यही सही। अशोक आशा की ट्रेनिंग शुरू कर ही दो। जो कम चलिए, पहला सबक आज ही शुरू करते हैं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बाबू, जरा कुछ देर के लिए बाहर जाओ, मैं आप लोगों का भी बुलाता हूं। चलो सब लोग बाहर चलते हैं। चलो चलो। हो सकता है कि पहला सबक सीखने के लिए इन सब के सामने तुम्हें जरा सी शर्म आए। देखो तुम्हारा ये बचपना कब छूटेगा? हमेशा बचपना ही कहोगे, कभी प्यार का नाम नहीं दोगे? ये प्यार नामुमकिन है आशा, तुम्हारे और मेरे बीच में हैसियत की दीवार खड़ी है, और मैं दीवान साहब को अच्छी तरह जानता हूं। जिस दिन उन्हें इस प्यार का पता चलेगा वो मेरे सीने में गोली डाल देंगे। मगर क्यों? इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे फुटपाथ से उठाया। फुटपाथ पर तो हजारों लोग होते हैं अशोक,
वहीं पैदा होते हैं, वहीं पर मर जाते हैं। लेकिन उनमें से डैडी ने तुम्हें क्यों उठाया? क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि तुम में टैलेंट है, हुनर है। तुम उनके नौकर नहीं, उनके दाहिने हाथ हो अशोक। दीवान साहब अपना दाहिना हाथ काट लेना पसंद करेंगे, लेकिन उसे अपनी इकलौती बेटी का हाथ देना पसंद नहीं करेंगे। ये जानकर भी कि उनकी बेटी बैठते उठते सोते जागते आंखों में सिर्फ तुम्हारी तस्वीरें घूमती रहती है। हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं। इस तस्वीर का एक पहलू तुम देख चुकी हो आशा, तस्वीर का दूसरा पहलू नहीं देखा तुमने? अशोक, क्या तुम किसी दूसरी लड़की से प्यार करते हो? रेनू, रेनू बेटी, रुक जा बेटी, रुक जा, रुक जा बेटी, ऐसा मत कर, मत कर बेटी, रेनू। नहीं बेटी, नहीं नहीं, नहीं नहीं, नहीं नहीं, कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? देखो, देखो, इन लोगों ने मेरा क्या हाल बना रखा है? मुझे मुझे ये सब सताते हैं, बांध कर रखते हैं, मुझे 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 पागल कहते हैं। मैं पागल हूं? तुम्हारे सिवा मुझे और कोई नहीं समझता। मत जाया करो मुझे इस तरह छोड़कर, मत जाया करो। बेटे तुम नहीं थे तो ये किसी तरह काबू में नहीं आती थी, न खाती थी न पीती थी, बस भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। अरे पगली, मैं आ गया हूं ना। अब तो कहीं नहीं जाओगे ना? कहीं नहीं जाऊंगा। ये कौन है? रेनु, ये आशा है। तुम्हारी कौन है? ये मेरी दोस्त है। तो फिर मेरी कौन है? तुम्हारी भी दोस्त है। मेरी दोस्त हो तो फिर मेरे पास आ। रुक जा बेटी, इसके पास मत जाना, इसका कोई भरोसा नहीं। कैसी बातें करते हैं आप? अरे रेनू तो बहुत अच्छी लड़की है, ये तो किसी को परेशान नहीं करती, किसी को तंग नहीं करती। आओ आओ, आओ। रेनू, ए रेनू, रेनू तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तुम नहीं होते तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब मैं तुम्हारे पास हूं। रामू, रेनू का खाना लगाओ। अब कैसी है वो? मुश्किल से सुला के आया हूं। लेकिन ये है कौन? रेनू ना मेरी बहन है ना बीवी। तो फिर क्या रिश्ता है इसका तुमसे? एक अजीबोगरीब रिश्ता हम दोनों के दरमियान, जिसका कोई मतलब नहीं, कोई माने नहीं, शायद कोई नाम भी नहीं। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। आशा, मैं जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में पढ़ता था, रेनू मेरी जूनियर थी, मुझसे सीखती थी। गरीबी से लड़ाई और पढ़ाई की उलझन में ना खाने का ठिकाना था ना पीने का, लेकिन ये मेरी एक एक बात का ख्याल रखती थी। कॉलेज का आखिरी साल था और मेरे पास फीस भरने के लिए पैसे भी नहीं थे। अरे अशोक, तुम अभी तक गए नहीं, पेपर बांटने का वक्त हो गया है। वो फीस नहीं भरी ना? ओहो, मैं अभी ऑफिस से आ रही हूँ, किसी ने तुम्हारी फीस भर दी है। ये रहा तुम्हारा रोल नंबर। मेरी फीस? हाँ। भला कौन भर सकता है? ओहो, ये वक्त पूछताछ का नहीं है, पेपर देने का है। जल्दी जाओ, बेस्ट ऑफ लक, जाओ ना।
रेणु, ये क्या किया तुमने? एग्जाम की फीस वापस क्यों ले ली? और एक दिन मैं एक एडवर्टाइजिंग फिल्म की शूटिंग कर रहा था कि अचानक मैंने क्या देखा। छोड़ दो मुझे, रेणु, छोड़ दो मुझे। रेणु तुम ये क्या कर रही हो तुम? अरे मैं अशोक हूं, अशोक। अशोक? हाँ रेणु, मैं अशोक। हम लोग आर्ट कॉलेज में साथ साथ थे, लेकिन लेकिन तुम आत्महत्या क्यों कर रही थी? हाँ, किसने बनाई तुम्हारी ऐसी हालत? बोल ना। हाँ बोल। रेणु, रेणु को जब होश आया वो अपने सारे होश खो बैठी थी। ओ माय गॉड, क्या ये भी पता नहीं चला कि किस निर्दय ने उसकी इज्जत लूटी थी? कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन उसका घर बार, उसके माँ बाप, उनका भी पता नहीं चला। फिर मेरी जमीर ने गवारा नहीं किया कि मैं उसे पागल खाने या दुनिया के रहमो करम पे छोड़ दूं। मैं उसे घर ले आया। वो ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ, मगर डॉक्टरों का कहना है इसमें वक्त लगेगा। ये भी तो हो सकता है कि हम दोनों मिलकर उसकी देखभाल करें। मैं तुम्हारे जज्बात की इज्जत करता हूं, लेकिन कब तक? महीना, दो महीने, साल, दो साल? इसलिए नहीं कि तुम्हारे जज्बात रेणु के लिए कम हो जाएंगे, बल्कि इसलिए कि मेरी तरफ से हर रोज तुम्हें निराश होना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुमसे शादी तब तक नहीं कर सकता जब तक रेणु पूरी तरह से ठीक ना हो जाए, और उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी शादी ना कर दूं। ये मेरे असूल का सवाल है। अशोक के बिना रह नहीं सकती रेनू, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब तक तुम ठीक ना हो जाओ हम एक दूसरे के नहीं हो सकते। मैं उसके बिना जी ना पाऊंगी। रेनू तुम ठीक हो जाओ, तुम ठीक हो जाओगी ना रेनू? प्लीज तुम अच्छी हो जाओगी ना? तुम अच्छी हो जाओगी ना रेनू? तुम जल्दी से अच्छी हो जाओ रेनु, तुम्हें मेरी कसम, मेरे और अशोक के प्यार की कसम, अशोक की कसम, तुम जल्दी से अच्छी हो जाओ, प्लीज अच्छी हो जाओ रेनु, प्लीज अच्छी हो जाओगी ना रेनु? इम्पॉसिबल, मुझे तुम्हारी किसी भी बात पे यकीन नहीं आता। रेनू कहाँ है? आशा के साथ बाहर बैठी है। ये क्या गजब कर दिया तुमने, आशा को उसके साथ अकेला छोड़ दिया? तुम्हें शायद मालूम नहीं, उसका नॉर्मल हो जाना सिर्फ इत्तेफाक भी हो सकता है, वो कभी भी उस पर हमला कर सकती है। आप यकीन मानिए वो बिल्कुल ठीक है, और आप चाहें तो उसे जाकर देख सकते हैं। ओके, आई विल चेक अप, लेट्स सी। तुम यहीं बैठो, तुम्हारे सामने तो वैसे भी नॉर्मल हो जाती है। ओके ओके। रेनू,
नमस्ते डॉक्टर। ये आशा है डॉक्टर, अशोक की दोस्त और मेरी भी। नमस्ते डॉक्टर। यस यस आई नो, अशोक ने मुझे इनके बारे में सब कुछ बता दिया है। डॉक्टर, ये मुझे अपने साथ शहर से बाहर ले जाना चाहती हैं। अशोक भी हमारे साथ होंगे, मगर वो कहते हैं कि जब तक आप इजाजत न दें तब तक। रेनू, मैं वादा करती हूँ डॉक्टर, आपकी दवाइयाँ सही वक्त पर ले लिया करूंगी। ऑफ कोर्स यू कैन गो, तुम जरूर जाओ, बल्कि मैं तो कहता हूँ एक बार पूरा हिंदुस्तान घुमाओ। डोंट वरी, आई विल टेल अशोक। ओके, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। ये क्या हो रहा है आखिर? एक एक करके सारे क्लाइंट हमारे हाथों से निकले जा रहे हैं। जानते हैं आप लोग कि इसका नतीजा क्या हुआ? पिछले चंद ही दिनों में हमारी कंपनी की आमदनी में 2 करोड़ की कमी हो चुकी है। मैं पूछता हूं कि अगर अशोक कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाए तो क्या हमारी कंपनी का सब काम धाम ठप हो जाएगा क्या? सर, हम वही आपको बताना चाहते, आपको थोड़ी सी तकलीफ करनी पड़ेगी, हमारे साथ प्रोजेक्शन रूम तक चलना पड़ेगा। क्या मतलब? सर, वहीं आपको चलकर पता चलेगा कि हमारे नुकसान की वजह क्या है। स्टार्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट फंटेस्टिक नेक्स्ट व्हाट ए फिगर नेक्स्ट वाव शी इज ब्यूटीफुल टू नेक्स्ट लाजवाब दैट्स एनफ लाइट्स क्या बात है? अगर ये लड़की हमारे साथ काम करने लगे तो ना सिर्फ हमारे गए हुए क्लाइंट बल्कि नए क्लाइंट्स की भी लाइन लग जाएगी। कौन है ये मॉडल? सर, ये मॉडल नहीं है बल्कि हमारी दुश्मन है। दुश्मन? यस सर, इसने हमारे मुकाबले में अपनी कंपनी खोली है। अपनी अदाओं और खूबसूरती से एक एक करके इसने हमारे कई क्लाइंट्स अपनी तरफ खींच लिए हैं। लेकिन हमारे साथ इसकी क्या दुश्मनी हो सकती है? जी, आज रात वो एक शो कर रही है, आपको खास तौर पर इनविटेशन भेजा है, शायद यही बताने के लिए कि उसकी आपके साथ क्या दुश्मनी है। गुड इवनिंग मैडम। आप आ गए? यस मैडम, दीवान साहब को आपका इनविटेशन मिल गया है, वो जरूर आएंगे। गुड, अब दुनिया देखेगी कि लोहे को लोहा और पैसे को पैसा कैसे काटता है। हाँ, एक और बात। जी। दीवान सरदारी लाल को ये मालूम हो जाना चाहिए कि उनकी प्यारी इकलौती बेटी आशा उनकी कंपनी के एक मामूली नौकर अशोक से प्यार करती है। देखते हैं, उन्हें सिर्फ अपनी दौलत प्यारी है या अपनी इज्जत भी। आप बहुत ईमानदार आदमी हैं और मैं चाहती हूं कि आप यह खबर उन तक इसी ईमानदारी के साथ पहुंचा दें। श्योर मैडम, थैंक यू। विनी, रुक जाओ। जवानी की गर्मी से दहकता हुआ यह बदन इसलिए नहीं बना कि मौत के सर्द हाथ इसे छुएं। मदमाते हुस्न की यह मदिरा इसलिए नहीं ढली कि सूखी रेत पर गिरकर जज्ब हो जाए। मदहोश शबाब का ये गुलाब इसलिए नहीं खिला कि खिजां के झोंके इसे उड़ा ले जाएं। तुम नहीं हारी हो, किसी की दौलत जीती है, किसी की हैसियत जीती है। और जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हें अपने हुस्न को संवारना नहीं आया, क्योंकि तुम्हें वो सिंगार नहीं आया जो औरत के जिस्म को अदाओं की शराब से छलकता पैमाना बनाते। मैं तुम्हें सजाता हूं, अब देखो वो जलवा जो दिलों को दीवाना बना दे।
हम विन्नी पर हद तक इज्जत का मुकदमा चलाएंगे। उसने हमारी मासूम बेटी पर झूठा इल्जाम लगाया है। क्या बात है, तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? सर वो क्या सर लगा रखी है, ठीक तरह जवाब दो। सर उसने कोई झूठा इल्जाम नहीं लगाया सर। क्या मतलब? सर ये ठीक बात है, सारी मार्केट में खबर फैली हुई है कि अशोक ने आशा बेबी को अपने प्यार के जाल में फांस लिया है और अब वो छुट्टी के बहाने उसे हिंदुस्तान की सैर कराने ले गया। उस फुटपाथ के कीड़े की ये मजाल, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये अशोक का फोटो है, इसे अच्छी तरह देख लो। और ये एक स्पेशल गन है, टुकड़ों में अलग अलग। अशोक मेरी बेटी आशा और एक लड़की के साथ ट्रेन से कोल्हापुर जा रहा है। वो तीनों राजपुर स्टेशन से ट्रेन में सवार होंगे और उनके साथ का कैबिन मैंने आप लोगों के लिए रिजर्व कर दिया है। आप लोग ऑर्डिनरी मुसाफिरों की तरह से इस ट्रेन में सफर करेंगे और इस गन को अपने सूटकेस में डालकर सामान की हैसियत से अपने साथ ले जाएंगे और मौका मिलते ही। आगे बताने की जरूरत नहीं साहब, हम जानते हैं अशोक इस दुनिया से दूर और बेबी आपके पास। शाबाश, मुंह मांगा इनाम लेकिन काम हो जाने के बाद। Thank you.
दे जो करूं करने दे, दिल रुबा रहने न दे फासला, तू मेरा दिल है तू मेरी जान है ओ दिल रुबा, होना था जो हो गया शुक्रिया दिल दिया शुक्रिया दिल लिया। सब पता चलेगा। चरिंग लड़कियों को इधर लेके आओ। अब बोल किसने भेजा तुझे? अशोक, ये तुम्हारी जान का दुश्मन कौन हो सकता है? वही जिसे मेरी जान प्यारी है। बहुत तारीफ करते थे तुम इन गीदड़ों की। अशोक को मारने गए थे, अपने ही हाथ पांव तोड़वाकर वापस आ गए। बड़े के टट्टू रेस कोर्स में नहीं दौड़ा करते दीवान साहब, बड़े काम बड़े दिल वाले ही किया करते हैं। कौन हो तुम? तीन तीन लाशें देखने के बाद भी आप पूछ रहे हैं कि हम कौन हैं? हम दुश्मन नहीं दोस्त हैं। तुमसे किसने कहा था कि इन्हें खत्म कर दो? कहा तो किसी ने नहीं था, लेकिन जो अपने काम में नाकाम हो जाते हैं उन्हें जीने का कोई हक नहीं होता। ये तीनों एक को मारने गए थे, नहीं मार पाए। हमने इन तीनों को एक ही वार में सुला दिया। अशोक को सिर्फ हम आपकी राह से हटा सकते हैं। अशोक को तुम्हें कैसे मालूम हुआ? कत्ल करना हमारा शौक भी है धंधा भी, हम सब जानते हैं। ठीक है, कितना पैसा चाहिए तुम्हें? आम तौर पर हम एक जान का 1,00,000 लेते हैं। हमारे 3,00,000 आप पर उधार हो चुके हैं। अशोक के लिए भी 1,00,000? नहीं, उसकी लाश आपको मुफ्त में मिलेगी, माय पर्सनल अकाउंट। मतलब? वो आपका ही नहीं मेरा भी दुश्मन है। लेकिन वो बहुत चालाक आदमी है। दीवान साहब, ऊंट जब तक पहाड़ के नीचे नहीं आता अपने आप को सबसे ऊंचा समझता है। एतबार नहीं तो अपने आदमी को मेरे साथ भेज दीजिए, यकीन आ जाएगा। रंगा, लेकिन इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हम जब किसी को मारते हैं तो सिर्फ मरने वाले को पता होता है कि हमने मारा है, और मुर्दे गवाही देने नहीं आते। चलो रंगा, तुम्हें रंग दिखाए। चलो। ये कौन सी जगह है? ये हमारा अजायब घर है, हमारी रियासत।
मगर ये जानवर तुम्हारा किस काम आते हैं? ये हमारी प्रजा है और हम इनके राजा हैं। एक दिन इन्हीं की मदद से हम इंसानों की जिंदगी और मौत पर राज करेंगे। मैं समझा नहीं। समझ जाओगे। आओ मेरे साथ। ये हमारी लेबोरेटरी है। जानते हो आजकल दुनिया की हर चीज की तरह मर्डर भी बहुत साइंटिफिक हो गया है। हम यहां मर्डर के नए नए तरीके निकालते हैं। वाह क्या बात है, फैंटास्टिक, यू आर रियली जीनियस। थैंक यू। हम तुमको एक तमाशा दिखाते हैं। हमने मर्डर का एक बिल्कुल अछूता तरीका निकाला है। ये सुई को चुभोते ही बदन मुर्दा लाश बन जाता है, लेकिन मौत का नजारा करने के लिए सिर्फ आंखें जिंदा रहती हैं। भाई वाह, ये तो कमाल है। ये कमाल हमने एक बड़े आदमी के लिए इजाद किया है। बड़ा आदमी? हाँ हाँ, बहुत बड़ा आदमी। लेकिन पहले हम इसका तजुर्बा एक छोटे आदमी पर करेंगे। क्यों, किसी मासूम की जान लेने से क्या फायदा? ताकि हमारा वार खाली ना जाए। आई सी। मगर ये बड़ा आदमी है कौन? तुम्हारा मालिक। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूं। जानते हो वो मासूम आदमी कौन है? नहीं नहीं, वो मासूम आदमी तुम हो। तजुर्बा शुरू हो जाए। Thank you.
आंखें सब कुछ देख कर फिर भी है मजबूर, जीवन जितना दूर है मौत भी उतनी दूर। वाह, आज तो बीच पर मजा आ गया। क्या सोच रहे हो तुम? यही के कहीं कोई कातिल यहाँ भी तो नहीं भेज दिया उसने। किसकी बात कर रहे हो तुम? उसी की जिसने ट्रेन में हमारी जान लेने की कोशिश की थी। पता चल गया उसका? कौन है? एक प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की। देखो, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं। मजाक नहीं, मैंने पता किया है। तुम्हें वो कश्मीर वाली लड़की याद है जिसे कॉलेज से निकाल दिया गया था? वो हम सब की जान लेना चाहती। हम सब का मतलब? मतलब तुम, मैं, हो सकता है दीवान साहब भी। देखो, अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ किया ना, तो मैं उसकी जान ले लूंगी। मेरा फोन शायद डैडी का होगा, मैं अभी आई। वाह 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 वाह, क्या बात है दोस्त। दोस्त, हम तो आपको जानते नहीं। जानिए या ना जानिए, हम हर उस आदमी के दोस्त बन जाते हैं जिसकी पसंद अच्छी हो, और आपकी पसंद का तो जवाब नहीं है दोस्त। आदमी तुम बहुत दिलचस्प मालूम होते हो, आपकी तारीफ। हमें अपने मुंह से अपनी तारीफ करने की आदत नहीं है। तो आप एयरफोर्स में सर्जन हैं? जी। मुझे अशोक कहते हैं, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप तो बहुत ऊंचे आदमी हैं, हवाओं में उड़ते हैं, बादलों से बातें करते हैं, आसमान के हमजोली हैं, चांद तारों के पड़ोसी हैं। बात है आप में। लेकिन हमें आसमानों की दोस्ती और चांद तारों का पड़ोस पसंद नहीं आया, बस धरती पर वापस आ गए। तो आप धरती पे क्या कर रहे हैं? रिसर्च, रिसर्च ऑन क्राइम्स। हेलो। अरे आशा। अरे डैडी, व्हाट अ सरप्राइज, आप कब आए? अरे वो छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम यहाँ कैसे? मैं अपनी सहेली के साथ। ठीक है ठीक है, देयर आर सम गुड न्यूज़ फॉर यू। व्हाट पापा? मैंने तुम्हें अपनी कंपनी का डायरेक्टर बना दिया। हाउ नाइस। लेकिन कोर्ट में कल ही तमाम कागजात दाखिल करवाने हैं और वहाँ तुम्हारा होना बहुत जरूरी है, इसलिए हमें आज ही वापस जाना होगा। जल्दी तैयारी करो। मैं अपनी सहेली को बता के आती हूँ। अरे सहेली को मैं बता देता हूँ। नहीं नहीं ठीक है, मैं मैसेज भिजवा देता हूँ। अच्छी बात है। हम आपको एक दिलचस्प वाक्य सुनाए। सुनाइए। हाल ही में जिनेवा में एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें एक मशहूर साइंटिस्ट भी था। दुश्मन देश के कुछ एजेंट्स उस मशहूर साइंटिस्ट को जिनेवा से भगा ले जाने में सफल हो गए। फिर क्यों? उसी देश ने उस साइंटिस्ट को मारने के लिए दुश्मन देश के एक पेशावर कातिल को चुना। क्यों? ताकि वो कोई राज ना बता सके। उस साइंटिस्ट को जबरदस्त पहरे में एक अलग कमरे में रखा गया था। कातिल ने उस कमरे की दीवार में एक मशीन गन फिट कर दी थी। लेकिन जब वो साइंटिस्ट एक जगह से दूसरी जगह जाता हो तो? उस गन में ऐसा सिस्टम था कि वो अपने आप निशाने के साथ घूमती थी। लेकिन गन का ट्रिगर दबाने के लिए भी तो कोई चाहिए था। कातिल ने गन के ट्रिगर के साथ एक टाइम बम भी फिट कर दिया था। घड़ी की सुई चल रही थी, टिक 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 टिक, और जैसे ही सुई 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60 पहुंची, फायर! आंखें सब कुछ देख कर फिर भी है मजबूर। अशोक, मैं तुमसे कहती थी ना, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। मैं यहाँ एक डॉक्टर से मिली थी, जानते हो उसने क्या कहा? अशोक, 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 अशोक!
मैडम ये मेजर ऑपरेशन है जिसका नतीजा जिंदगी भी हो सकता है मौत भी। ऐसे ऑपरेशन के लिए अगर पेशेंट होश में न हो तो माँ बाप या बीवी का सिग्नेचर लेना जरूरी है अथॉरिटी लेटर पर। माँ बाप तो यहाँ नहीं है, लाइए लाइए मैं साइन कर देती हूँ। जरूर, कौन है आप इनकी? यूं तो मैं इनकी कोई नहीं हूँ, हूँ भी तो इन्हें उसकी खबर नहीं। सॉरी मैडम, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ लेकिन मजबूर हूँ। इसके माँ बाप कहाँ हैं? वो बम्बई में है। तो जल्दी जाइए, उन्हें बुला के लाइए, कहीं देर ना हो जाए। आप अपनी जिम्मेदारी खूब समझते हैं, आप फिक्र मत कीजिए, भगवान का नाम लीजिए और जल्दी जाइए। इतने बड़े होटल में मर्डर हुआ लेकिन किसी भी अखबार में कुछ भी नहीं छपा। तुम्हें पूरा यकीन है कि अशोक मर चुका है? तुम्हारा निशाना चुका नहीं? हम वो निशाना लगाते ही नहीं जो चुक जाए। कितनी दूर रह गया उसका घर? वो सामने है। क्या तुम उसके माँ बाप को भी मारना चाहते हो? जवान बेटे की मौत के बाद बूढ़े माँ बाप जिक्र करेंगे भी क्या? हमें तो तरस आता है उन बेचारों पर। जरा गाड़ी रुकिए, मुझे अशोक के बाप की मौत नजर आ रही है। हाँ चलिए। वंडरफुल, बिल्कुल फुल प्रूफ मर्डर होगा। मगर कैसे होगा, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता। दिख जाएगा दीवान साहब, जल्दी क्या है, जाइए और अशोक के बाप को वहां ले आइए। अशोक के बाप को मैं ले आऊं? क्या इस शुभ काम में इतनी भी मदद नहीं करेंगे? जाइए। हरिहरनाथ। अरे दीवान साहब, पहली दफा हमारे घर पर। आइए 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 आइए, अंदर तशरीफ लाइए, आइए बैठिए बैठिए। अरे सुनते हो अशोक की माँ, अरे देखो तो कौन आए हैं। अरे मालिक हमारे घर आए हैं। दीवान साहब, अगर कौन था तो हमें हुक्म कर दिया होता, आपने क्यों कष्ट किया? मगर बात क्या है, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मैं बताती हूँ अशोक के बाबू, इन्हें देखते ही मेरा कलेजा धड़कने लगा था। ये कोई मनहूस खबर लेकर आए हैं। जरूर जरूर हमारे बेटे को कुछ हो गया है, और जो कुछ भी हुआ है इन्हीं की वजह से हुआ है। हरिहरनाथ, अशोक की माँ, क्या हो गया तुम्हें, पागल हो गई हो? मालिक पहली बार हमारे घर आए मेहमान के साथ ऐसा तो नहीं किया जाता। चलो, ये मैं नहीं कह रही हूँ, माँ की ममता कह रही है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, मेरा खून कह रहा है। अशोक के बाबू, आप समझते क्यों नहीं, अपने लाल के लिए अपने बेटे के लिए मेरा कलेजा मरता जा रहा है। अब उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ मालिक, न जाने क्या हो गया आज इसे। लेकिन अशोक तो ठीक है ना? इस बुढ़ापे में हम कोई बुरी खबर न सुन पाएंगे। हम बूढ़े माँ बाप का वही एक सहारा, इस घर का इकलौता चिराग है वो। सबर से काम लो हरिहरनाथ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, आओ मेरे साथ। आप तो कुछ बता ही नहीं रहे दीवान साहब, अशोक को कुछ हुआ तो नहीं है? जिंदगी का उसूल है कि बेटे के कंधे पर बाप की अर्थी उठती है। अशोक आता है, अभी आता है, अभी आता है। सब कुछ क्यों दीवान साहब, इसे मर्डर कहेंगे या एक्सीडेंट? रणबीर, तुम बहुत खतरनाक आदमी हो। के बाबू, कैसा है मेरा बेटा? अरे अच्छा तो है, ठीक तो है। अरे बोलते क्यों नहीं तुम, दरवाजा तो खोलो। अरे बोलते क्यों नहीं? अरे डर गया, मैं तो दीवान साहब का ड्राइवर हूँ, उन्होंने मुझे भेजा है। नहीं, तुम खूनी हो, तुम्हारी आंखों में खून है, तुम्हारी सांस में खून की बदबू आ रही है। कहाँ है अशोक के बाबू, कहाँ है? हमने कुछ नहीं किया माँ जी, वो तो एक्सीडेंट था। वो चढ़ाई है ना, उस पर ट्रक खड़ा था, वो चल पड़ा, पीछे दीवार थी, बचने का रास्ता नहीं था, बस उनका सर दीवार और गाड़ी के बीच आ गया। आप खुद देख लीजिए। तुमने
तुमको मार डाला और अब तुम मुझे मार रहे हो। दीवान सरदारी लाल ठीक कहता था कि तुम्हारे दिल से सच्ची आवाज निकलती। मरीज की हालत बहुत खतरनाक होती जा रही है, मैं अपनी जिम्मेदारी पर ऑपरेशन करूंगा। चलिए शुरू कीजिए। डॉक्टर डॉक्टर, मैं कहां से लाऊं अशोक के माँ बाप को? वो अब इस दुनिया में। धीरज रखो बेटी, अशोक का ऑपरेशन चल रहा है। जी हाँ, हर साल यहाँ मखदूम बाबा का उर्स होता है। अब के साल उर्स में डॉक्टर सैयद जो ब्रेन स्पेशलिस्ट हैं वो आए थे। उन्होंने जब हादसे की खबर सुनी तो फौरन यहाँ चले आए और अपनी जिम्मेदारी पर उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब, मेरे अशोक को कुछ होगा तो नहीं? जो कुछ हुआ है वो चमत्कार से कम नहीं हुआ। मुझे तो लगता है खुद मखदूम बाबा ने डॉक्टर सैयद को यहाँ भेज दिया है। सुनाने की देर है, ये हाथ तेरे आगे, उठाने की देर है।
वाला हूँ। जो कुछ हो सकता था मैंने कर दिया, लेकिन जब तक उसे होश नहीं आता मैं कुछ कह नहीं सकता। क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? ऑफ कोर्स। थैंक यू। ये मेरा रिवॉल्वर लेकर कहाँ जा रही? मैं विनी की जान ले लूंगी डैडी। पागल हो गई हो क्या? मैं तब कुछ जानती हूँ। ट्रेन में अशोक पर हमला, उसके माँ बाप की हत्या, अशोक का अचानक गुम हो जाना, ये सब उसी का किया है। इसका यह मतलब तो नहीं कि तुम जान बूझ कर अपने आप को मौत के हवाले कर दो? मैं अशोक के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ डैडी। मैंने आज तक आपको कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं और अशोक एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बेटी, मैं तुझे हर वो चीज दे सकता हूँ जो इस दुनिया में मौजूद हो। मैं खुद अशोक के लिए बहुत परेशान हूँ। यहाँ तक कि उसे ढूंढने के लिए मैंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव तक रख लिया है, जिसका कोई मिशन आज तक फेल नहीं हुआ। ये भी नहीं हुआ। हमें रणवीर कहते हैं। यही है वो डिटेक्टिव। अशोक जहाँ कहीं भी हो, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। तुम अशोक को ढूंढ निकालो, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। वादा आसान है, वादे की वफा मुश्किल है। याद रहेगा ना यह वादा? हमें वादा करना भी आता है और निभाना भी। होश में आओ अशोक, तुम्हारे माँ बाप का साया भी उठ चुका है मेरे सर से। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मेरी आवाज सुन लो अशोक, मेरी आवाज सुन लो अशोक। डॉक्टर, 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 अंधेरा क्यों है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये अंधेरे क्यों छा रहे हैं? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये क्या मैं भी तुम्हें दिखाई नहीं देती? मैं रेनू हूँ अशोक। मैं रेनू, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये क्या हो गया डॉक्टर? ये कैसे हो सकता है? आपने तो इनका ऑपरेशन किया था। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि जब तक इन्हें होश नहीं आ जाता मैं कुछ कह नहीं सकता। नहीं डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, आप कहिए जो आप कहना चाहते हैं, कहिए ना। घबराने की कोई बात नहीं। रेनू, तुम जरा बाहर जाओ, मुझे अशोक से कुछ बात करनी है। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। ऐसी क्या बात है जो आप मेरे सामने नहीं कह सकते? नहीं रेनू, एक डॉक्टर को अपने मरीज से कहने दो जो वो कहना चाहता है। हाँ, मुझे बुरी से बुरी बात सुनने और बर्दाश्त करने का हौसला है। हाँ नहीं, आप मेरे सामने कहिए डॉक्टर। अशोक, क्या मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं हूँ? हो, एक एक पल हो। यकीन मानो, मैं तुम्हें एक एक चीज बता दूंगा, लेकिन इस वक्त जाओ डॉक्टर साहब। अशोक, डॉक्टर साहब ले जाओ इसे। आओ रे, आओ। अशोक, आओ। ये दरवाजा बंद कर देना। देखो अशोक, आई मस्ट बी फ्रैंक विद यू, तुम्हारी आंखों में जो अंधेरा है वो थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, लेकिन ये अंधेरे उजाले का खेल अब हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मैं कुछ समझा नहीं। दरअसल गोली तुम्हारे दिमाग में ऐसी नाजुक जगह पर अटकी है कि निकाल दी जाए तो तुम्हारी फौरी मौत का खतरा है, इसलिए मैंने गोली नहीं निकाली। यू नो, ऐसे केसेस में वी कैन नॉट टेक एनी रिस्क।
गोली तुम्हारी आंखों से जुड़ी नसों को दबाएगी तो तुम्हारी आंखों में अंधेरा छा जाएगा, और जब दबाव हटेगा तो फिर रोशनी आ जाएगी, तुम फिर से देख सकोगे। डॉक्टर, 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 मैं देख सकता हूं डॉक्टर, आई कैन सी, मैं देख सकता हूं डॉक्टर। गुड, मगर तुम्हें बहुत एहतियात से काम लेना होगा, जिस्म को किसी भी झटके या शॉक से बचाना होगा। लेकिन एक बात इससे भी ज्यादा अहम है। बोलिए डॉक्टर साहब, बेझिझक बोलिए। इस जख्म ने तुम्हें जिंदगी से दूर और मौत के नजदीक कर दिया है, तुम ज्यादा दिन जिंदा ना रह पाओगे। ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, अभी तो मुझे बहुत सारे काम करने हैं, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करनी है, और ये लड़की रेनू जो बाहर बैठे मेरी जिंदगी की दुआएं मांग रही है, उसकी शादी करवानी है, और आशा, उसके दिल से अपना नाम अपना प्यार निकालना है, उसके लिए थोड़ा सा वक्त तो चाहिए ना डॉक्टर। मैं तुम्हें 10-12 महीने से ज्यादा का यकीन नहीं दिला सकता। थैंक यू डॉक्टर, इतना वक्त मेरे लिए काफी है, उसके बाद अगर मौत आ भी गई तो मैं हंसते हुए उसे अपने गले से लगा लूंगा। अशोक, मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो, मुझसे रहा नहीं जाता। अशोक प्लीज दरवाजा खोलो। आओ रेनु। अरे तुम देख सकते हो, मैंने तुमसे कहा था ना कि सब ठीक हो जाएगा। आशा कहाँ है, नजर नहीं आ रही। मुझे क्या पता, मैं जब वहां आई तो तुम बीच पर बेहोश पड़े थे, दूर दूर तक किसी का कोई पता न था। मेरा दिल कहता है अशोक, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। बीच पर तुम्हारी यू गोली लगना, आशा का अचानक होटल से गायब हो जाना, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब आशा? ऐसी बात कभी सोचना भी नहीं। रेनु, तुम जानती नहीं आशा मुझसे कितना प्यार करती है। प्यार करती होती तो तुम्हें यू छोड़कर भाग न जाती। प्यार करने वाले सारी दुनिया को छोड़ देते हैं, अपने प्यार को नहीं। वो सात समुंदर पार करके सारी दीवारें तोड़ के आ जाते हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता अशोक, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। आशा तुमसे प्यार नहीं करती, प्यार का ढोंग रचाती है। खबरदार अगर ऐसी बात मुंह से निकाली तो मैं क्या पता कि हम एक दूसरे से। अरे तुमने कभी किसी से प्यार किया हो तो पता चले ना। हाँ? मैंने किसी से प्यार किया होता, मैंने किसी से प्यार किया होता। ये क्या हो रहा, ये क्या हो रहा तुम्हें? मैंने किसी से प्यार किया होता। ये तुम्हें क्या हो रहा है? चलो चलो घर चलो, माँ जी और बाबूजी इंतजार कर रहे होंगे, चलो। हाँ इंतजार, हाँ इंतजार, सब इंतजार खत्म हो गए हैं अशोक। मां और बाबूजी अब इस दुनिया में ही नहीं रहे, अब इस दुनिया में ही नहीं रहे। नहीं, सब इंतजार खत्म हो गए। डॉक्टर, डॉक्टर तुम हमारे करीब ना आना। लेकिन तुम कहां चले गए थे इतने दिन? तमाम अखबारों में उनकी मौत की खबर छपी। इन्हें गोली मार दी गई थी, उन्होंने मां और बाबूजी को भी मार डाला, अब वो मुझे भी मार देना चाहते हैं। ये रेनु को क्या हो गया, ये तो ठीक हो गई थी। डॉक्टर, जरा सी देर के लिए किस्मत मुस्कुराई, फिर एक धमाका हुआ, चारों तरफ अंधेरा छा गया। जब आग खुली तो सब कुछ बदल गया था। रेनु भी जो मुझे देखकर ठीक हो जाया करती थी, अब वो मेरे भी बस में नहीं आती। आई एम सॉरी अशोक। डॉक्टर, मैं आपसे एक दरख्वास्त करने आया हूं, मुझे किसी पर भरोसा नहीं, जिंदगी पर भी नहीं। वक्त बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है, मैं रेनू को आपके हाथ सौंपना चाहता हूं।
लाजवाब और हमें लाजवाब चीजें ही पसंद है क्योंकि हम खुद लाजवाब हैं। आज तो लाजवाब को अपना जवाब मिल गया ना। आपके निशाने को हमने अपना निशाना बना लिया। फर्क इतना है कि आपकी तरह हमारा निशाना चूका नहीं। गलत, हम अपने निशाने को खत्म नहीं करना चाहते थे। ये धमाके तो हम इसलिए करते हैं कि इनकी आवाज से हमारे दिल में पलती हुई नफरत जागती रहे। आपकी तारीफ तारीफ की छोड़िए, आपने तो हमें पानी तक के लिए नहीं पूछा। काम की बात हम सिर्फ जाम के साथ करते हैं। सोडा या वाटर? ऑन द रॉक्स, सिर्फ बर्फ। हमें रणबीर कहते हैं। रणबीर, थैंक यू। और हमें मालूम है कि आप विनी हैं। ऐसा लगता है कि हमारी आपकी राह एक ही है, मंजिलें जुदा हैं। क्या क्या मतलब? हम आपके निशाने का नामो निशान मिटा देना चाहते हैं, लेकिन शायद आप चाहती हैं कि वो जिंदा रहकर अपनी सजा को पहुंचे। आप बिल्कुल ठीक समझे। फिर ऐसा करते हैं कि हम उसे अपने लिए लाश बना लेते हैं और आपके लिए जिंदा छोड़ देते हैं। आप कोई पहेली बुझा रहे हैं क्या? ओ चूजी माय डार्लिंग, हेलो डियर, इतनी देर कहाँ थे? बहुत प्यारा कुत्ता है, क्या नाम है इसका? चूजी, बहुत चुलबुला है मेरा चूजी, है ना? मेरी गोद के अलावा कहीं चैन से ही नहीं बैठता। अच्छा, वाकई बहुत चुलबुला है। इधर लाइए। देखिए इसका चुलबुलापन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बिल्कुल शांत हो जाएगा और आपकी गोदी में भी बैठा रहेगा। चूजी, चूजी, चूजी! अरे क्या हो गया इसे? चूजी, जो दीवान सरदारी लाल को होने वाला है हमारे लिए लाश और आपके लिए जिंदा। आशा के बारे में आपका क्या ख्याल है? आशा, उसने मुझसे मेरा प्यार छीना है और मैं वो प्यार उसे हमेशा के लिए वापस छीन लेना चाहती हूं ताकि उसे पता चल जाए कि खोने का दर्द क्या होता है। आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं? कुछ भी, कुछ भी, लेकिन आप बहुत खुदगर्ज हैं, बहुत खुदगर्ज हैं। ये भी नहीं पूछा कि हम आशा का क्या करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं आप? हमारे ख्याल में आशा हुस्न और जवानी का खजाना है और हम उस खजाने को अपने कब्जे में रख लेना चाहते हैं। और ये तभी हो सकता है जब इस खजाने का सांप अशोक हमारे बीच से हट जाए। और ये तभी हो सकता है जब आशा के दिल में अशोक के लिए नफरत और अशोक के दिल में किसी के लिए मोहब्बत जाग उठे। आप अशोक को अपना दीवाना बना लीजिए, हम आशा को अपना निशाना बना लेते हैं। आखिरी सफर मेरे कंधों के बगैर तय कर लिया। इकलौती औलाद अपने मां बाप की चिता को आग बिना दे सकी। दिल के अरमान दिल में ही रह गए। मुझे इस दुनिया में आने का कर्ज तो चुका लेने दिया होता बाबूजी। हिम्मत से काम लो अशोक। तुम? हाँ दोस्त, मैं। जब से अखबार में बुरी खबर पड़ी मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं। कहां चले गए थे तुम? भेजने वाले ने तो बहुत दूर भेजना चाहा मगर मैं वापस आ गया। और अब हिसाब किताब चुकाए बगैर नहीं जाऊंगा। कैसी भेकी भेकी बातें कर रहे हो? मैं दोस्त हूं, अगर किसी काम आ सकूं तो मुझे खुशी होगी।
तो ये बताओ, उस दिन गोवा के बीच पर तुम मुझे किस हाल में छोड़कर गए थे? अरे तुम्हें याद नहीं, मेरा टेलीफोन आया था और मैं चला गया था। जब तुम वापस लौटे तो मैं किस हाल में था? मैं लौटकर बीच पर आया ही नहीं, टेलीफोन हेडक्वार्टर से था और मुझे फौरन वापस बुलाया गया था। फ्लाइट ठीक 1 घंटे के बाद जाती थी, मैं सामान लेकर सीधा एयरपोर्ट चला गया। मगर ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि उसी वक्त किसी ने मेरे सर में गोली मारी और वापस लौटने से पहले मेरे माँ बाप का कत्ल कर दिया। यही शक आशा को भी है। उसका ख्याल है कि विनी ने तुम्हारे माँ बाप को मरवाया है, लेकिन विनी तो तुमसे बेहद प्यार करती है। वो कैसे? मैं तो उसे मिला भी नहीं। तुम्हारे प्यार का जादू, आई थी तुमसे बदला लेने, तुम्हारा काम देखा और शिकारी खुद शिकार हो गया। तुमने मेरा बोझ और हल्का कर दिया मेरे दोस्त। क्या मतलब? आशा मुझसे नफरत करने लगे, उसके लिए यह प्यार बहुत जरूरी है। मैं समझा नहीं। अरे मैं समझा दूंगा। ये जो गोली है ना, ये अभी तक मेरे सर में अटकी हुई है और मेरी जिंदगी सिर्फ चंद दिनों की मेहमान है, समझ गया ना? हाँ अब कुछ समझ में आ रहा है। मगर कातिल को मारने के बगैर नहीं मरूंगा मैं। हाँ ये बात समझ में नहीं आई होगी इस वक्त, वक्त कम है, फिर किसी दिन फुर्सत में समझाएंगे। हाँ अपना एड्रेस देते जाइएगा, मेरा मतलब अपना पता देते जाइएगा, 2-4 दिन में तो मुलाकात हो ही जाएगी। इस वक्त कहाँ जा रहे हो? बहुत कुछ पूछना है एक दूसरे से, बहुत कुछ बताना है एक दूसरे को, इतनी जल्दी भी क्या है? आई बात समझ में? हाँ पर गोली चलाने वाले का पुलिस को अभी तक पता नहीं चला मिस्टर अशोक, ये बताइए आपको किसी पर शक है? एक पर हो तो बताओ, मुझे तो कईयों पे शक है। तो फिर हमें उन सब के नाम बताइए। ये टॉय ग्रामोफोन, मेरे पर जो हमला हुआ है इसका कोई ताल्लुक है इससे? सिर्फ इतना कि ये हमें उस दिन उसी बीच पर मिला था। ये सिर्फ खिलौना है या बजता भी है? बजता है, क्यों? दिमाग के किसी कोने में एक गाना गूंज रहा है, बजाइए ना इसे। सब कुछ देख कर मौत की ये आवाज इस घर में कैसे आई? आप इतने घबराए हुए क्यों नजर आ रहे हैं दीवान साहब? इस गाने से कोई आपका ताल्लुक है? अशोक कहाँ खो गए थे तुम? मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर हार गई। कितने दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि तुम आओ तो तुम्हें खुशखबरी सुनाओ। खुशखबरी? हाँ मैंने डैडी को सब कुछ बता दिया, अपने बारे में, तुम्हारे बारे में, अपने प्यार के बारे में। तो क्या बोले आपके डैडी? डैडी ने कहा कि वो मुझे हर वो चीज दे सकते हैं जो इस दुनिया में मौजूद है। कैसे देंगे वो चीज जो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं? छोड़ो ये जज्बाती बातें, जानते हो तुम्हारी वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ है? मेरी वजह से जो कुछ भी हुआ है उसमें आपका नुकसान भी शामिल है। हाँ विनी ने तुमसे अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए मेरे कारोबार का सत्यानाश कर दिया है, मेरे सारे क्लाइंट छीन लिए। अगर यही हालत रही तो चंद ही रोज में हम नमक के एक एक दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। दीवान साहब मुझे नमक का जायका ही नहीं, मुझे नमक की कीमत भी मालूम है। विनी आपके रास्ते से हट जाएगी, चाहे
मुझे उसके कदमों में अपना दिल ही क्यों ना डालना पड़े, चाहे मुझे उससे प्यार ही क्यों ना करना पड़े। नहीं अशोक नहीं, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा प्यार खो गया तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। भगवान ने चाहा तो हम कोई और बिजनेस कर लेंगे। तुम दीवान साहब को नहीं जानती, वो हार मान के रास्ता बदलना नहीं जानते। आशा ये बिजनेस है और बिजनेस में हर चीज कुर्बान की जा सकती है, चाहे वो दिल हो, दिल का प्यार हो। शुक्र हो कि ना दादी, प्लीज रोके ना। अशोक सुनो तो। तुम समझते हो कि अशोक पहली बार विनी के पास जा रहा है? अरे उनका रोमांस तो इतना पुराना हो चुका है कि अब उसे शादी की बदबू आने लगी है। हमारी जुबान का एतबार नहीं तो अपनी आंखों को आजमा लो। आशा की निगाहों के सामने मैं तुम्हारी बाहों में आ गया, तुम यही चाहती थी ना? नहीं, मैं चाहती थी कि तुम्हें मेरे प्यार की सच्चाई का एहसास हो जाए। चाहती थी कि तुम्हें अपने प्यार से जीत लूं। विनी, मैं यहां खुद को हारने नहीं बेचने आया हूं, कीमत चाहता हूं। कीमत? कीमत अगर मेरी जान है तो बोलो, कब, कहां और कैसे पेश करूं? मेरा विश्वास करो अशोक, पहले मैं समझती थी
कि तुम्हारे प्यार के पीछे मेरे दिल में आशा से बदला लेने की तमन्ना छुपी हुई है। मगर जब कामयाबी ने मेरे पैर चूमे तब मुझे पता चला अशोक कि कला के मैदान में तुम कितने बड़े कितने ऊंचे हो। मैं जितना ऊंचा उठती गई उतना ही तुम्हारे प्यार में डूबती गई। प्यार 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 ये लफ्ज तुम इतनी बार दोहरा चुकी कि तुम इतना भी नहीं समझती हो कि अगर मैं आशा के साथ बेवफाई कर सकता हूं तो मैं तुम्हारे साथ भी बेवफाई कर सकता हूं। लेकिन मेरा प्यार तुम्हें बेवफाई करने नहीं देगा, और अगर तुम बेवफाई करोगे भी तो भी मैं तुम्हें यूं ही जिंदगी भर प्यार करती रहूंगी। नहीं नहीं विनी, ये गलत है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं मैं तुम्हें कि तुम्हारे प्यार की उम्र सिर्फ चंद दिन है बस। विनी, मेरी जिंदगी और मौत के बीच में जो फासला है हर गुजरते हुए दिन की तरह इस तरह कम होते जा रहा है कि जब मेरा दिल धड़कता है तो मेरी मौत के कदमों की आवाज मुझे सुनाई देने लग जाती है। क्या? मौत एक गोली के रूप में मेरे दिमाग में अपना घर बसाए बैठी है, किसी दिन भी आबाद कर सकती है। नहीं नहीं अशोक, नहीं नहीं नहीं, प्यार की एक घड़ी एक सदी के बराबर होती है। अशोक, तुम्हारे प्यार के ये चार दिन भी मुझे मिल जाए तो जिंदगी के बाकी दिन इन दिनों की याद में खुशी से गुजार दूंगी। सुहाग के ये चार फूल आखिरी सांस तक मेरी जिंदगी को महकाते रहेंगे। काश मेरे पास इतना वक्त होता कि सुहाग के ये चार फूल मैं तुम्हें दे सकता, लेकिन फिर भी मैं अपनी जिंदगी के बचे हुए कुछ लम्हे आज से तुम्हारे नाम करता हूं। आइए आइए, तशरीफ लाइए, कहिए क्या कहानी सुनाने आए हैं। यही ना कि धुतकार दिए गए, निकाल दिए गए, खाली हाथ लौटा दिए गए। कुछ तो कहिए हजूर, खामोश क्यों हैं? दीवान साहब, कल विनी के यहां पार्टी है, कल कागजात साइन किए जाएंगे और कल के बाद विनी और आप एक साथ बिजनेस करेंगे। क्या कह रहे हो तुम? जी हाँ, मैं सही कह रहा हूं। मैं आशा से कह ना पाऊंगा, आप आशा के पिता हैं, उसे कह दीजिएगा कि मुझे भूल जाए। बिजनेस के लिए दीवान साहब पिक गया हूं। प्यार हार कर मरना जानती हो तो प्यार जीत कर जीना भी सीखो। मैं क्या करूं रणबीर, वो बेवफा तो हमेशा के लिए विनी का हो चुका है। हमारी बाहें तुम्हें नई जिंदगी दे सकती हैं, तो हमारी बातें तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ प्यार भी दिला सकती हैं। कैसे बताओ मुझे, मुझे अशोक कैसे वापस मिल सकता है? हमारे इशारों पर चलती रहो, कच्चे धागे में चले आएंगे सरकार बंधे। कोई किसी को प्यार नहीं करता, सब धोखा देते हैं एक दूसरे को, अपने आप को। मुझे मुझे नफरत है, मुझे प्यार के नाम से नफरत है, मुझे नफरत है डॉक्टर, मुझे प्यार के नाम से नफरत है, नफरत है। अरे भाई, ये क्या बचपना है, ये अचानक तुम्हें क्या हो जाता है? देखो भाई, अपने आप को संभालो तुम, कम ऑन चेयर अप। देखो कितनी खूबसूरत जगह है, व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड, अरे क्या नजारा है। जरा देखो 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 उस तरफ, वाओ, अरे एक बंगला बना है उस जंगल में, हाँ देखो तो, वाह चारों तरफ हरियाली हरियाली, पेड़ ही पेड़, हाँ जरा देखो तो कितने बड़े बड़े पेड़ लगाए हैं उसने, व्हाट अ लकी मैन ही मस्ट बी। हाँ माना कि तुम हमसे प्यार नहीं करती, फिर भी हमारे पास आकर बैठो, हमारे कंधे पर सर रखो, हमारे गले में भाई डालो, हमसे हंस हंस कर बातें करो ताकि अशोक देखे तो उसके सीने में जलन की चिंगारी भड़क उठे।
तेरी बात सच निकली रेनू, आशा बेवफा है। अशोक के मंजर अपनी आंखों से देख ले तो उसे भी तेरा यकीन आ जाए। रेनू ये आखिरी मौका है, तेरा खोया हुआ प्यार तुझे मिल सकता है, अशोक तेरा हो सकता है। रेनू अशोक को आशा की बेवफाई का मंजर दिखा दे, ये आखिरी मौका है रेनू, जल्दी जल्दी जाओ उसे ले आ। जा रेनू, छोड़ दो रेनू, उसे छोड़ दो, मैं कहता हूँ उसे छोड़ दो। रेनू रेनू मेरी बात तो सुनो, रेनू रेनू ये क्या हो गया तुम्हें फिर? रेनू छोड़ दो उसे, रेनू 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 प्लीज लीव इट, लीव इट, रुक जाओ रेनू। अशोक का प्यार नहीं लिखा है पगली, अब वो किसी और का हो चुका है, तुझे कभी नहीं मिल पाएगा।
साहब, ये अशोक बाबू से मिलने आई हैं। वो तो आउटडोर शूटिंग कर रहे हैं, मैंने सोचा आप ही के दर्शन करा दूं। गुप्ता। यस सर। तुम बाहर ठहरो और बाहर से। ओके सर। अशोक तुम्हारा कौन है? जी वो हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, वो मेरा दोस्त है। वो हमारा नौकर है। जी हाँ, वो तुम्हें क्या देगा, हम तो तुम्हें उसकी मालकिन बना सकते हैं। बोलो, रहोगी हमारी बनकर? शर्म नहीं आती आपको ऐसी बातें करते हुए? जब एक लड़की और एक पर अकेले में मिले तो फिर शर्म कैसी और पर्दा कैसा। छोड़िए, छोड़िए। जिसने, बोलो ना रेनू। ये क्या बोलेगी, मैं बताता हूँ। दगाबाज ड्रामे करता है, अपनी दो टके की रखेल को मेरे सर थोपना चाहता है, मुझे दलील करना चाहता है। कचरे के ढेर से उठाकर मैंने तुझे महल में बिठा दिया और उसका बदला तूने यूं दिया कि मेरी इज्जत पर डाका डाला। कमीने, बस चले तो तू अपनी माँ बहन को भी ना छोड़। दीवान सरदारी लाल जबान को लगाम दे, लगता तेरी मौत मेरे हाथों रखी है। इस वक्त मेरा रेनू के लिए जाना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं तेरे एक एक सवाल का जवाब दूंगा। एक एक ये इधर भपकियां देकर जाना चाहता है, मोरी के कीड़े ये ना भूल कि जो हाथ तुझे नाली से उठाकर आसमान पर बिठा सकते हैं, वही हाथ तुझे दोबारा नाली में फेंक सकते। दौलत, इज्जत और शराफत की नकाब के पीछे एक हवसनाक भेड़िया का चेहरा छुपा, मुझे आज मालूम पड़ा है। कमीने, अरे चल। अरे दोस्त, दोस्त ये क्या कर रहे हो? अरे क्या जान से मारोगे दोस्त आपको? अरे छोड़ो ना, छोड़ो, हटो। अरे ये क्या कर दिया तुमने, ये क्या कर दिया? डैडी, क्या हुआ डैडी, बोलो ना डैडी, तुम चुप क्यों हो गए, जवाब तो दो डैडी, क्या हुआ डैडी, डैडी बोलो ना डैडी, क्या हुआ, तुम बोलते क्यों नहीं डैडी, डैडी। तुमने मेरा दिल तोड़ा, मैं चुप रही, तुमने मुझसे बेवफाई की, मैंने उफ तक नहीं की, यहां तक कि तुम मेरी आंखों के सामने किसी और की बाहों में चले गए, मैं खामोश रही, और अब तुमने मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा भी छीन लिया। अशोक, तुम इंसान नहीं हैवान हो, संदिल हो, कातिल हो, बेरहम हो। आशा, आशा तुम एक नेक और शरीफ इंसान पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रही हो। अशोक वो इंसान है जिसकी सोबत में शैतान भी फरिश्ते बन जाते हैं। आशा, तुमने भगवान का साथ छोड़कर एक शैतान का हाथ थाम लिया है। आशा, तुम्हारे डैडी का कातिल अशोक नहीं, ये है। आशा, गौर से देखो, आशा देखो, क्या तुम्हें इसके और तुम्हारे डैडी के हालत में कोई फर्क नजर आता है? देखो आशा, कोई फर्क नहीं है, जिंदा लाश, बदन बेजान, आंखों में जान, और आशा इसकी ये हालत इसी रणवीर ने की है, मेरी आंखों के सामने। वाह 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 वाह, मान गए दोस्त, मान गए, एक तीर से तीन तीन शिकार,
एक महबूबा, एक होने वाली बीवी और सुना है एक रखैल भी है। चला दिया विनी पर अपने प्यार का जादू, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं। मेरे खिलाफ तुम लोगों के पास क्या सबूत है? हा? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। सब कुछ देख कर फिर भी है मजबूर। सबूत हमेशा गुंगा नहीं होता मेरे दोस्त, कभी कभी बोल भी पड़ता है। इस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं, अपनी उंगलियों के निशान दे दो, सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। हाथ कंगन को आरसी क्या, देख लो ये भी करके। चलो देख लेते हैं। खून लगे हाथों को यूं पर्दों में छुपा के नहीं रखते मेरे दोस्त, सच बोलेंगे अब तुम्हारे ये हाथ। हाँ, जो भी हुआ है मैंने किया है, बदला लिया है मैंने अपनी जिल्लत का तुमसे दीवान सरदारी लाल से। जो जहर तुमने मेरी जिंदगी में घोला था वही मैंने तुम्हारे मुंह में उड़ेल दिया है। तुम्हारी महबूबा को मैं लिए जा रहा हूं, अगर कोई हरकत की तो इसका भी वही अंजाम होगा जो इसके बाप और इस कुत्ते का हुआ है। को छोड़ दे तो तेरी मौत का सफर आसान हो जाएगा। मेरी मौत देखने के लिए तुम्हें मुझसे अपनी जिंदगी की भीख मांगने पड़ेगी और वो तुम्हें नहीं मिलेगी। मेरा दिल फौलाद का है अशोक, तेरी मौत इतनी भयानक होगी कि ये जमीन और आसमान कांप जाएंगे। अरे देख लेते हैं कौन किसको मौत के घाट उठाता है। भूखे परिंदे तेरा बदन नोच नोच कर खा जाएंगे। अब होश क्यों उड़ गए तेरे? खून के जितने डब्बे तेरे दामन पर लगे थे आज वो तेरे गंदे चेहरे पर पहुंच गए हैं। उठा तलवार, हम ललकार कर हमला करते हैं। We'll be right back.
तड़पा के मारा था ना रणवीर, लेकिन मैं तुम पर दया करूंगा। एक ही वार में तेरी नापाक रूह को तेरे गंदे जिस्म से अलग कर दूंगा। कमीने कुत्ते! तुमसे प्यार करता है, मगर मैंने इसे अपनी आंखों से आशा को प्यार करते देखा है। मैं इसे इसी बेवफाई का बदला दे रहा था। सारे महल दिल की एक तरफ मोहब्बत ने बनाए थे, दिल की बात कुछ तुमसे कही, कुछ दिल से, लेकिन जिसे कहनी चाहिए थी उसे कभी कुछ न कह सकी। ये तुम क्या कह रही हो रेनू? इसका मतलब ये हुआ कि जाने अनजाने में जो कुछ हुआ उसका कसूरवार मैं हूं? अशोक, अब और शर्मिंदा ना करो अशोक। हम सब किस्मत के खिलौने हैं, गलत फहमियों के शिकार। भाई होने के नाते मैं रेणु से कभी खुलकर बात नहीं कर पाया, और करता भी कैसे जब सुना इसके मुंह से तुम्हारा नाम सुना, जब देखा इसे तुम्हारे ख्यालों में खोया हुआ देखा। रणवीर, फिर क्या हुआ मुझे बताओ। मरने से पहले सब कुछ जानना चाहता हूं, ताकि मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। अचानक तुम चले गए, तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली। मुझे एयरफोर्स में सर्जन की नौकरी मिल गई, और अपने गरीबी के जंजीर तोड़ने के लिए मुझे रेणु को अकेला छोड़कर चले जाना पड़ा। फिर क्या हुआ रेणु? आज तक तुमने
मुझे कुछ नहीं बताया। अब तो बता दो पगली। भैया के जाने के बाद मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रह गया था। मैं तुम्हें ढूंढने बंबई पहुंची। मुझे मुझे बस इतना मालूम था कि तुम किसी दीवान सरदारी लाल के यहाँ काम करते हो। मैं जब वहां पहुंची तो दीवान ने मेरा वो हाल किया जिस हाल में तुम्हें मिली। मुझे भी रेणु का एक खत मिला था जिसमें लिखा था जब तक एक खत तुम्हें मिलेगा तब तक मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी, लेकिन मेरी मौत का बदला दीवान सरदारी लाल से जरूर लेना। मगर अशोक को मिलने के बाद तो तुम मुझे सब कुछ बता सकती थी। जब ये मुझे मिली तो बताने के काबिल कहां थी। सदमे तो इसे पागल बना दिया था ना। भगवान, दीवान को जिंदा लाश में बदलकर मैंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन अशोक मैंने तुम्हारे साथ घोर पाप किया है। जो पाप अनजाने में हो मेरे यार, वो पाप नहीं उसे भूल कहते हैं। अगर ये भूल है तो मैं इस भूल का प्रायश्चित करूंगा। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा अशोक, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मेरे यार, किस किस जख्म को सियोगे? कलेजा छलनी छलनी हो गया है, गोली दिमाग में फंसी है। मैं ये फोर्स का सबसे बड़ा सर्जन हूं अशोक। सब सर्जन जवाब दे चुके हैं। अरे भगवान भी कोई चीज है अशोक, जिसने इन हाथों से कई लोगों को मुंह दिलाई है, वो इन हाथों से सिर्फ एक बार ये इंसान को जिंदगी नहीं दिलवा सकता। चलो चलो मेरे साथ। तू अपनी जिद पूरी कर ले पगले। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरे मर्ज का इलाज दवा नहीं, दुआ है। रेनु, मेरे पास आओ। बोलो अशोक। मैं तुम्हारा कसूरवार हूं। काश तूने सब चीजें पहले बता दी होती, काश मैं अपनी वफा का सबूत तुझे दे सकता। चारों तरफ से घेर लो, उसे देखते ही गोली मार दो। मेरा दम घुट रहा है। नहीं अशोक, मैं जो कहना चाहता हूं वो कह नहीं पा रहा। अशोक, अशोक, अशोक। रेनु, तुम कॉलेज में एक गीत गाया करती थी ना? हाँ, बहुत अच्छा था वो गीत। मुझे फिर से सुनाओ ना। नहीं अशोक। वो गीत मेरे दिल का हैना है। वो गीत मेरे दिल की आवाज है। वो गीत एक मरने वाले की वफा का सबूत है। अशोक, अपनी वफा याद दिलाओगी नहीं सकते, उस भूलने वाले को भुला भी नहीं सकते। जल्दी से दरवाजा बंद कर दो। जा। भगवान, बस इतना वक्त दे दो कि ऑपरेशन पूरा हो जाए, फिर मैं हंसते हंसते ये दुनिया छोड़ दूंगा। इस दरवाजे के पीछे एक लेबोरेटरी है कलेक्टर साहब, रणवीर ने इसे बहुत सारी मशीनें लगा रखी है। दरवाजा उड़ा दो। रेणु, देखो मैंने अशोक के दिमाग से गोली निकाल दी।
ऑपरेशन कामयाब हो गया। भैया भगवान ने हमारी सुनी। भैया मैंने अभी अभी उससे दुआ मांगी थी कि चाहे हजारों गोलियां मेरे बदन में उतर जाए, लेकिन लेकिन अशोक के सर में फंसी हुई गोली निकल जाए। हम अपनी वफा याद दिला भी नहीं सकते, उस भूलने वाले को भुला भी नहीं सकते। रेणु तू भगवान के पास गई है ना, तो उसे कह देना कि अभी अशोक के पेट का जख्म सिना बाकी है। ये दरवाजा लोहे का लगता है, हमें इसे काटना पड़ेगा। इंस्पेक्टर गैस का इंतजाम करो। सर इधर से अंदर जाने का रास्ता है। खुद को हमारे हवाले कर दो वरना हम गोली चलाने पर मजबूर हो जाएंगे। जल्दी करें ना इंस्पेक्टर साहब, वो इंसान नहीं वहशी दरिंदा है। कैदी को तो उसने जिंदा लाश बना दिया, अशोक को न जाने क्या कर देगा। इंस्पेक्टर साहब जल्दी करिए। उसके पास है ना, उसे कह देना चार टांके। रेणु रेणु मेरा काम पूरा हो गया। अशोक तू बच गया, तू जिंदगी थी मेरे लिए और बहन ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी मेरे लिए। दीवान साहब आपने जो कुछ भी मेरे साथ किया मैं तो उसे कब का भूल बैठा हूं। आशा मेरी खुददारी को बेवफाई ना समझना, मैं विनी को वचन दे चुका हूं। नहीं अशोक, तुम अपना वचन वापस नहीं ले सकते हो, लेकिन मैं तो तुम्हें तुम्हारा वचन वापस लौटा सकती हूं। मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे तुम्हारे प्यार के दो पल भी मिल जाए तो मैं सारी जिंदगी उनकी याद में गुजार दूंगी। आशा अशोक कल भी तुम्हारा था, आज भी तुम्हारा है। तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ प्यार लौटाकर
मुझे अपना खोया हुआ करार मिल गया।